ले। वेलकम बैक टू एक्सोटिक बर्ड्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि समर सीजन में अपने बर्ड्स को कैसे केयर करना। ज्यादातर वैसे तो यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस है कि अपने केज को मतलब बोरा जो आता है उसको गीला करके रखना चाहिए, कूलर लगाना चाहिए, टेम्परेचर को 22 से 30 डिग्री के में उसमें अंडर में मतलब कंट्रोल करके रखना चाहिए, ह्यूमिडिटी 55 से 60 के बीच में रखना चाहिए। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि ऑलरेडी है यूट्यूब पे। कई सारे यूट्यूबरों ने, इंडियन यूट्यूबर ने, भारतीय यूट्यूबरों ने बर्ड से रिलेटेड कई सारी ऐसी वीडियोस बनाए, मगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब जो बोलते हैं इम्पोर्टेंट एक चीज है जो कि हर कोई मतलब ज्यादातर आप में से कई जो लोग वीडियो अभी देख रहे होंगे उनको शायद वो ये पता ही नहीं होगा कि इससे भी शायद प्रॉब्लम हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ उसकी कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने बर्ड्स इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हो समर के सीजन में तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल ये केज में मैं ये केज से ये केज में निकाल के कहीं और लेके जा रहा हूं तो उसमें भी बर्ड्स आपका मर सकता है गर्मी के कारण। कैसे मरता है फॉर एग्जांपल अगर ये मगर ये जो है आप ज्यादातर लोग जब बर्ड से ट्रेवल करते हैं तो सुबह के टाइम पे करते हैं या दोपहर के टाइम में जब उनको टाइम मिलता है, तो वो टाइम पे नहीं। एक आप में से एक सब्सक्राइबर है हमारे, शायद ये वीडियो वो भी देख रहे होंगे, वो आगरा के हैं, उन्होंने का एक एक्सपीरियंस उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है मेरे साथ। तो उनका जो था उन्होंने मे भी ग्रीन फिशर के 70-80 पेयर लिए थे और उसमें लुटिनो भी थे मेरे पास। वो उनने वीडियो भेजा, मैं भी शॉक हो गया था कि इतना बड़ा लॉट हर कोई लेता नहीं है, तो मैंने भी उनको फोन लगाया। मगर जब फोन लगाया तो बात किया उनसे तो पता चला बाद में कि उन्होंने जब बर्ड से मतलब एक सेटअप से मतलब वो पकड़े और पूरा रूम ही था क्योंकि 60-70 पेयर ग्रीन फिशर के और लुटिनो के, ये एक बहुत बड़े सेटअप में बहुत बड़ा ही होगा, तो उनमें से वो सेटअप में जाके तीन या चार लोगों ने उन्हें पकड़ा, केज में लेके गए और अपने सेटअप पे वो बंदे ने लेके गया। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर वो हो गई थी कि जब जिस सेटअप पे वो बर्ड्स थे उस टाइम में जब टाइम होगा आई थिंक उन्होंने बताया था कि एक या दो के बीच दोपहर का टाइम गर्मी में एक या दो के बीच उन्होंने बर्ड्स पकड़े, तो जितने अब 70-80 पेयर है तो समझ लो 150 पीस। अब 150 पीस उनने भले कितना भी बड़ा आया वो तो केज का साइज तो मुझे पता नहीं, जब भी लिया होगा। तो जब प्रॉब्लम वो हो गई थी कि उनके बर्ड्स जैसे उन्होंने पूरे लॉट भर दिए 150 पीस का, तो जब थोड़ी देर बाद देख रहे तो उसी केज में उसी सेटअप में जब उन्होंने ट्रांसफर किया तो पूरे बर्ड्स में भी उनने बताया था कि 4 या 5 पीस ऑलरेडी मर चुके थे, उसी केज में मर गए और उसी सेटअप में वही के वही वो डेथ हो गए कि बहुत ज्यादा गर्मी थी और इतने बड़े सेटअप में उनको पकड़ा गया। और फिर जब वो घर लेके गए, घर लेते लेते रास्ते में उनको शायद हार्डली मेरे ख्याल से आधा घंटा लगा होगा बता रहे थे, और रास्ते में वो स्प्रे भी करते करते बर्ड्स पे गए थे, मगर वहां पर जाते जाते भी उनने जब घर पे अपने बर्ड्स को खोला तो 15 से 20 पीस उसमें भी मर गए थे। तो कितना उनका लॉस हुआ, 150 में से ऑलरेडी उनके 20-25 पीस मर चुके थे, तो एक बहुत ही बड़ा लॉस हुआ। तो कहने का मेरा बोलने का और आप सबको बताने का यही एक मकसद है कि आप स्पेशली समर सीजन में आप अगर आप किसी से भी लेते हो सिटी के अंदर ही, और अगर आप बाहर से भी इम्पोर्ट करवाते हो तो पहले तो अपन बाहर से अगर इम्पोर्ट करवाते हो तो आप जब ही लीजिए जब उनका ट्रांसपोर्टेशन का जो ड्यूरेशन है उनका वो रात में ही कंप्लीट हो जाए, मतलब शाम के छह बजे से लेके सुबह छह बजे तक उसी पीरियड में वो ट्रेवलिंग हो जाए, वहां से बंदा निकाले शाम में 6 बजे या और आपको सुबह 6 बजे मिल जाए। उस टाइम में अगर आपको ट्रेवलिंग पॉसिबल हो तो जब ही आप बर्ड लिए, अदरवाइज मत लीजिए। और आप मतलब फॉर एग्जाम्पल नागपुर में ही ये केज में से मेरे को बर्ड्स निकाल के किसी और को देने, तो आप ये भी गर्मी में मत करिए क्योंकि क्या होता है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें हाथ डालूंगा, अब ये तो कुल मिला के 8 पीस है, 8 पीस में से मेरे को 2 पैर लेके जाने, और अभी रात का टाइम चल रहा, कितना बज रहा हूँ, 7:30 बज रही है इस टाइम। नागपुर का एटमॉस्फेयर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, जब दोपहर में 45-46 डिग्री टेम्परेचर अभी चल रहा है तो दो मतलब 7-8 बजे वो 28-30 की डिग्री के टेम्परेचर में आ जाता है, तो जब बर्ड्स लेके जाना जरूरी है। तो अगर आप दोपहर में लेके जाते हो या इस केज में फॉर एग्जांपल मैं इसी केज का एक ले लेता हूँ, इस केज में मैं पकड़ा
तो डायरेक्टली तो बर्ड्स पकड़ में आएगा नहीं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको उसको पकड़ने के लिए, वो इधर उधर भागेगा, फिर उससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि बर्ड्स बहुत ज्यादा थक जाएगा। आप भी, आप में से कई सारे लोग जब अपने बजरी, फिंच, कोई भी XYZ बर्ड्स को केज में से पकड़ते हो, दाना डालने के लिए कुछ करते हो, पानी देने के लिए कुछ करते हो, तो बर्ड्स इधर उधर भागने लगते, तो उस पीरियड में उनका बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और नागपुर की बात करें तो बाहर इतना ज्यादा टेम्परेचर और केज में आप उनको डिस्टर्ब करोगे तो वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, बर्ड्स उसमें डेथ होना बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो मेरा बोलने का यही, अगर आप एक ही जगह हो नागपुर के, नागपुर में आप ले रहे हो तो शाम में करिए, या कोई भी हो सकता है बॉम्बे के बॉम्बे में, या कहीं भी XYZ ले रहे हो तो आपको टाइमिंग करना है, मतलब सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बर्ड्स को लेना नहीं है, गर्मी में स्पेशली, बारिश में और ठंडी का एक अलग रहता है। तो गर्मी में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपको बर्ड्स केज से निकालने नहीं, उनको डिस्टर्ब ही नहीं करना, उनको पूरी प्राइवेसी दे, उनको जो करना है करने दीजिए। आप ये काम भी कर सकते हैं कि बोरा लगाइए, उनको ठंडा रहने दीजिए, टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करिए, मगर आपको इधर से उधर शिफ्ट करना उनको नहीं है सुबह 10 से लेके शाम के 5 बजे तक गर्मी के सीजन में। ये एक बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना, ये एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज है, ज्यादातर लोग उस पर ध्यान नहीं देते, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को देखनी होती है। अगर आप समर में इधर से उधर कर रहे हो तो आपको, फॉर माय ओपिनियन, शाम में 6 बजे से रात के 11-12 बजे, रात में भी 3-4 बजे, सुबह 6 बजे तक, मतलब शाम में 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच में आप कभी भी ले सकते हो, मतलब अभी जैसे मैं इसको पकड़ूंगा तो बहुत ही ज्यादा थक जाएगा, तो उससे मतलब अभी का टेम्परेचर बाहर में लेके जाऊंगा तो वो टेम्परेचर में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर यही मैं इसको पकड़ के रात के मतलब दोपहर में 2 या 3 बजे घर घर तड़पती धूप में उसको लेके जाऊं तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो मैं सोचा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो एक वीडियो बना दिया। तो अभी पकड़ते हैं इसे, अभी आपको दिखा दी थोड़ा बहुत इतने टेम्परेचर में मतलब कैसा होगा लेके। तो दोस्तों इसमें से 2 पैर मेरे थे जो दोनों अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो मैं एक पैर इसमें रखूंगा और एक पैर इसमें रखूंगा, क्योंकि अलग अलग जा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा ये भाईजन ने इसे बांध दिया। अगर बर्ड्स उड़ा तो वैसे तो रूम पूरा पैक कर दिए, बर्ड्स उड़ने के चांसेस थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कम रहेंगे। गेट नहीं खोल पा रहा, क्या पकड़ेगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने अंदर हाथ डाला, इसको मोबाइल को ऐसे, जैसे मैंने हाथ डाला तो बर्ड्स इधर उधर भागने लगे, स्पेशली फॉर न्यू कवर्स। पुराने जो एक्सपीरियंस लोगों होंगे शायद, हो सकता है वो देख के हंस रहे होंगे कि ऐसी बेवकूफ, ये तो नॉर्मल है, मगर जो न्यू है, जो कभी बर्ड्स के बारे में ABCD नहीं जानते, ये उनके लिए। तो कहाँ गया मेरा वाला, थोड़ा पॉज ही कर दे रहा हूँ। करा तो दोस्तों, अगर एक यही वीडियो मैं बता देता हूँ, लास्ट वीडियो में जब मैं अपलोड किया था तो उसपे मैं बता नहीं पाया था कि कैसे मतलब आपको इस केज में से बड़े केज में डालना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो न्यू कमर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी दूसरे लोग तो पकड़ के डाल देंगे या उनको पता होगा कैसे तरीका डालना है। तो ये केज का आगे का जो फ्रंट गेट है ये आपको पूरा खोल के रखना है, मतलब ऐसा आपने खोल दिए, और ये वाला जो इसमें रहेगा इसको भी आपको खोल के रखना है, ये वाला जो नीचे अभी है फिलहाल मैं इसको खोलता नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गेट रहा तो ये वाला गेट खोला आपने, जो आपका ये केज है, और ये वाला गेट खोला और इसको ऐसा कर दिया और फिर यहाँ से भगाने लगे, तो वो इजीली आप तब मतलब उनके अंदर वो चले जाएंगे। तो ये एक छोटा सा मैसेज था कि बिना पकड़े आप कैसे अंदर डाल सकते हो ना। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, इनको मैंने निकाल दिया, थोड़ा सा थक गए, थोड़ा सा ही थके क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है नहीं, इसका फेस पे होकर थोड़ा हाफ रहे, आप देख सकते हो धीरे धीरे, देखा ये हाफ रहे, देखे आपने लोगों ने, और इसको भी देख सकते हो ये भी धीरे धीरे हाफ रहे, ठीक है, फेस पे फोकस कर, है ना। ये देखिए आप, ये भी देखिए, ये इसको देखिए ब्लू मास्क को, तो ये हाफ रहा है। इससे क्या होता है ना,
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप दोपहर में 2 बजे करे तो इमेजिन करिए, ये ऑलरेडी हाफ रहा है और कड़क की धूप में आप बाहर से लेके जा रहे हैं तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। मगर अभी हम फाइनली नॉर्मल टेम्परेचर में जा रहे हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये एक छोटा सा अच्छा आपके लिए मैसेज था एंड होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अभी के लिए इतना ही, अगला वीडियो देखते हैं कौन सा होगा। एंड थैंक यू सो मच।